फरुखाबाद जिला जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक किला है। यह जिला अपने पीतल के बने बर्तनों के कारखानों के लिए, इसके अलावा आलू, अमरूद, तंबाकू की फसलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। फरुखाबाद जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय फरुखाबाद शहर में स्थित है। दोस्तों, फरुखाबाद जिले की स्थिति की बात करें तो फरुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में पवित्र नदी गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल हरदोई जिला, कन्नौज जिला, मैनपुरी जिला, शाहजहानपुर जिला, कासगंज जिला और बदायूं जिला है। पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा फरुखाबाद जिला राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 190 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 432 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, फरुखाबाद जिले के इतिहास की बात करें तो फरुखाबाद जिले का संबंध महाभारत काल से रहा है। यह स्थान पंचाल प्रदेश का सबसे खास स्थान हुआ करता था और पंचाल प्रदेश की राजधानी कंपिल हुआ करती थी, जो आज भी फरुखाबाद जिले में मौजूद है। यही पंचाल प्रदेश की राजधानी कंपिल में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और द्रौपद पंचाल प्रदेश के राजा थे। यही पंचाल प्रदेश 27 दिसंबर सन 1714 ईस्वी को फरुखाबाद के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाने लगा। लगभग 2279 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले फरुखाबाद जिले की आबादी 21,84,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की आबादी 11,65,000 है तथा महिलाओं की आबादी 10,18,000 है। वहीं जिले का लिंगा अनुपात 874 है, यानी कि यहां पर 1,000 पुरुषों पर 874 महिलाएं हैं। और जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, अवधी हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से फरुखाबाद जिले में 84.67% हिंदू, 14.69% मुसलमान और 0.55% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। फरुखाबाद जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, आम, आलू, अमरूद, तंबाकू हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से फरुखाबाद जिले में 3 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल फरुखाबाद, अमृतपुर और कायमगंज हैं। वहीं जिले में 7 ब्लॉक, 603 ग्राम पंचायतें, 1020 राजस्व गांव और 14 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। वहीं शैक्षिक दृष्टिकोण से फरुखाबाद जिले की कुल साक्षरता दर 70% है और जिले में मौजूद प्रमुख शिक्षण संस्थान भारती महाविद्यालय, बद्री विशाल पीजी कॉलेज, आरपी डिग्री कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान फरुखाबाद जिले में मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से फरुखाबाद जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग फरुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहां से कासगंज एक्सप्रेस, उत्कर्ष एक्सप्रेस, कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलगाड़ियां होकर गुजरती हैं, जिनकी सहायता से यात्री देश के छोटे बड़े शहरों को जाते हैं। सड़क मार्ग फरुखाबाद जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 34 गुजरती है, जो आगे चलकर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जैसे देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। जिले में मौजूद प्रमुख बस अड्डा शमसाबाद बस अड्डा, कायमगंज बस अड्डा और नवाबगंज बस अड्डा है, जहां से देश के बड़े बड़े शहरों को नियमित बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग फरुखाबाद जिले का सबसे करीबी हवाई अड्डा कानपुर हवाई अड्डा है, जिसकी दूरी फरुखाबाद शहर से 129 किलोमीटर की है। यह हवाई अड्डा अपने हवाई मार्ग के द्वारा देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, फरुखाबाद जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। सिटी चर्च फरुखाबाद। दोस्तों, यह चर्च शहर के नेहरू रोड पर बस स्टॉप के पास में ही स्थित है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह चर्च केवल रविवार के दिन ही खुलता है। जामा मस्जिद। दोस्तों, यह मस्जिद सिटी चर्च के सामने ही स्थित है। यह मस्जिद फरुखाबाद जिले की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मानी जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। गुड़गांव देवी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर फरुखाबाद से अलीगंज रोड पर शहर से बाहर स्थित है।
और यह मंदिर काफी प्राचीन व भव्य मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क में काफी झूले और फूलों का सौंदर्य नजारा देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक मस्ती करने के लिए आते हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद जिले में पंचाल घाट, बाबा भैरवनाथ मंदिर, रामेश्वरनाथ मंदिर, माँ शीतला देवी मंदिर जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनकी व्याख्या दोस्तों एक वीडियो में करना काफी मुश्किल है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।